बफर सोल्यूशन। हिंदी में इस टॉपिक को प्रतिरोधक घोल कहते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटेटिव टॉपिक के रूप में माना जाता है, बफर सोल्यूशन, और हमारे डेली लाइफ में इस टॉपिक का यूज भी है। बफर सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एसिड और बेस का स्मॉल अमाउंट ऐड करें तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, उसका पीएच मेंटेन करने का उसके पास अपना क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं, प्रतिरोधक घोल कहते हैं। आपको बता दें कि हमारे और आपके शरीर में दौड़ता हुआ ह्यूमन ब्लड मानव रक्त एक ऐसा कैपेसिटी रखता है कि अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस भी खाते हैं, कोई एसिडिक पदार्थ भी आप ग्रहण करते हैं फूड मटेरियल्स के रूप में, तो आपका पीएच ब्लड का चेंज नहीं होता है। तो आज इसी प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोग आज के इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला है कि आखिर ऐसा क्या करता है बफर सोल्यूशन कि पीएच चेंज नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या होता है ब्लड में कि ब्लड में एसिड और बेस का स्मॉल ड्रॉप मिलाइएगा तो पीएच एकदम मेंटेन रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो इसी का नाम है बफर सोल्यूशन, ए क्लास ऑफ सोल्यूशन विच पीएच डजंट चेंज ऑन द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ये है कंटेनर, और इस कंटेनर में हम स्मॉल ड्रॉप एसिड का मिला है, एसिड HCl, जिसका पहचान H+ से होता है, तो इसका पीएच चेंज ही नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। एसिड का मिला है या बेस का मिला है, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक। ये किस आधार पर इसका नेमिंग हुआ है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन? ये इसके फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर हम वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, वीक एसिड और वीक एसिड के ही उसी वीक एसिड के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे तो वो कहलाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और अगर वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से अगर हम बनाएंगे तो वो कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। यानी वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन बनता है तो वो बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम यहां आप सभी स्टूडेंट को इस बफर सॉल्यूशन या एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो आपके सामने आप धीरे धीरे रखने जा रहे हैं। आखिर ये बफर सॉल्यूशन फंक्शन करता कैसे है, कैसे कंट्रोल करता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है, तो ये सब आप यहां समझने जा रहे हैं। सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ए बफर सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो आपको बता दें कि ये एक कंटेनर हमने लिया है और इस कंटेनर में हम वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट लेंगे, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर हम ले लिए वीक एसिड एज ए वीक एसिड के रूप में CH3COOH, वीक एसिड CH3COOH, और वीक एसिड का सॉल्ट भी ले लिए CH3COOH, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से ये बफर सॉल्यूशन बना है। ये एसिड है और एसिड का ही सॉल्ट है ये, इसलिए इसका नाम पड़ा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि ये डिसोसिएट होगा CH3COOH प्लस H+, और ये डायरेक्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये CH3COOH प्लस Na+। तो यहां हम बारी बारी से एसिड और बेस मिलाने जा रहे हैं। तो यहां पहली बार हम अभी हम बेस मिला रहे हैं, बेस
अभी हम यहाँ बेस मिला रहे हैं और बेस का NaOH और कोई भी बेस मिलाएंगे वो किसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही हम बेस मिलाएंगे, ये बेस निगेटिव आयन OH माइनस निगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव आयन से कॉम्बिनेशन करेगा H प्लस से और जो कंपाउंड बनाएगा H2O। आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये ना एसिडिक में काउंट होता है ना बेसिक में। तो यहां जो हमने बेस मिलाया, इस बेस का ओरिजिनल कैपेसिटी OH माइनस से मेजरमेंट होता है, ये OH माइनस जाकर कंबाइन कर लेगा कैटायन H प्लस से और बना देगा H2O। और इस तरह से जो बना सब्सटेंस वो न्यूट्रल है, ना इसका काउंटिंग एसिड में होगा ना बेस में। अब हम आपके सामने देखिए एसिड मिलाने जा रहे हैं, वो एसिड है HCl और एसिड किसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है H प्लस। तो अब हम एसिड मिलाने जा रहे हैं और ये कैटायन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है और कैटायन हमेशा एनायन से कॉम्बिनेशन करेगा। और यहां पर बता सकते हैं आप लोग कि H प्लस अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो पहले से इस कंटेनर में वर्तमान है, कुछ नया नहीं बना, एसिड एसिटिक एसिड बना। और आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एनायन है, एक ही निगेटिव चार्ज वाला आयन है। अगर इसको कॉम्बिनेशन करना है तो इसकी मजबूरी है कि इसी से कॉम्बिनेशन करेगा, और इससे कॉम्बिनेशन करेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो पहले से इसमें वर्तमान है। तो इसी के मेकानिज्म को हम दोबारा समझा रहे हैं ताकि हम बेसिक बफर सॉल्यूशन जब समझाने चले तो आपको अपने से आगे आगे हर बात समझ में आए। यहां हम बता रहे थे एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ए बफर सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स वीक एसिड इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसके मैकेनिज्म में हमने क्या समझाया कि ये एसिड डिसोसिएट होता है CH3COOH- और H+ में, और ये जो सॉल्ट है CH3COOHNa ये डिसोसिएट होता है CH3COOH- और Na+ में। जब हम यहां बेस का लिटिल अमाउंट मिला रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये OH- डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहा है H+ से और एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो ना एसिडिक कैरेक्टर रखता है और ना बेसिक। और जब हम यहां एसिड मिला रहे हैं तो एसिड HCl है और HCl यहां मिलाने से H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो H+ जाकर जब एनायन से कंबाइन कर रहा है तो एसिटिक एसिड बना रहा है, मतलब ऐसा सब्सटेंस बना रहा है जो पहले से सॉल्यूशन में वर्तमान है, जिससे यह पता चलता है कि बेस मिला है या एसिड मिला है इसके मतलब पीएच में चेंज नहीं होगा, इसके एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी के तर्ज पर हम आपको समझाने जा रहे हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझा जाए। बेसिक बफर सॉल्यूशन यह है एक कंटेनर और इस कंटेनर में हमने ले लिया NH4OH और इसके साथ इसका सॉल्ट विक बेस और विक बेस के सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बेसिक बफर सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहां पर ये NH4+ आयन और हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस करेगा NH4+ और Cl-। अब हम पिछले कॉन्सेप्ट की तरह बारी बारी से एसिड और बेस का लिटिल अमाउंट मिलाएंगे। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आपको बता दें कि यहां फर्स्ट राउंड में हम एसिड मिला रहे हैं, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे राउंड में हम बेस मिलाएंगे यानी OH- का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले जब हम एसिड मिला रहे हैं, ये देखिए एसिड का H+ OH- से कॉम्बिनेशन करेगा और OH- से कॉम्बिनेशन करके H2O का फॉर्मेशन कर देगा H2O का, और यहां पर भी फिर से न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया। अब हम बेस मिला रहे हैं तो बेस मिलाने पर ये OH- है तो NH4+ से ही कॉम्बिनेशन कर सकता है, ठीक है, और ये क्या बना देगा, फिर से वो सब्सटेंस बना देगा जो पहले से कंटेनर में वर्तमान है, और वो क्या बनाया NH4OH और यहां क्या बनाया H2O। जस्ट लाइक
एसिडिक बफर सॉल्यूशन जैसा रोल निभाएगा। तो याद रखना है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन जब बनाना है तो वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट लेना है। वो कह रहा है कि जब हम एसिड मिला रहे हैं तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन को ये बढ़ा रहा है, तो H+ जाकर कॉम्बिनेशन कर ले रहा है OH- से और बना रहा है एक न्यूट्रल सब्सटेंस जिससे पीएच पर कोई असर नहीं हो रहा है। और जब हम बेस मिला रहे हैं तो बेस का OH- जाकर NH4+ से कंबाइन कर रहा है जो वीक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, और वीक बेस बनने से पीएच पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, और इससे पहले जो हमने समझाया ये था मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, आखिर ये कैसे रोल निभाता है, पीएच के प्रति कैसे रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, पीएच को बदलने से कैसे रोकता है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया। अब इसको ठीक से आप सभी स्टूडेंट नोट कर पाएंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और बेस का लिटिल अमाउंट मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बेस्ट नेचुरल एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, जिसके पास ऐसा कैपेसिटी है कि आप कुछ भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस आप ग्रहण करते हैं खाद्य फूड मटेरियल्स के रूप में तो आपका ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है, इसी तरह से उसको मेंटेन करता है। लिखा जाए सबसे